गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन अवर लास्ट क्लास वी वर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन एट योर बैक ऑफ पेज नंबर 43। बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें 4 क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग आखिरी के 4 क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 को डिस्कस करेंगे। एवरी स्टूडेंट विल ओपन पेज नंबर 43 ऑफ देयर बुक्स। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट द स्टेप्स टू चेंज द डिज़ाइन थीम ऑफ अ स्लाइड। हमें स्टेप्स बताने हैं कि हम डिज़ाइन थीम कैसे एक स्लाइड की चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 36 और 37 में दिया है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम क्लिक करेंगे वन और द मोर स्लाइड्स एज डिसायर्ड। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर एक स्लाइड करनी है तो एक स्लाइड पे क्लिक करेंगे, एक से ज़्यादा स्लाइड्स पे क्लिक करना है तो हम एक से ज़्यादा स्लाइड्स पर क्लिक करेंगे। सेकंड हम क्लिक करेंगे डिज़ाइन मेन्यू पे ऑन द रिबन। फिर हमारे पास थीम अपीयर्स होंगी लिस्ट जिसमें से हम डिज़ायर थीम को सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारी सेलेक्टेड स्लाइड्स हैं वो अप्लाइड हो जाएंगी न्यू थीम से। ये थे हमारे स्टेप्स। क्या है फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन ईदर वन और मोर स्लाइड्स एज डिज़ायर्ड। सेकंड क्लिक ऑन डिज़ाइन मेन्यू ऑन द रिबन। अ लिस्ट ऑफ थीम्स अपीयर्स, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो फॉर मोर थीम्स। Click on the desired theme. The selected slides are now applied with the new theme. ये है हमारा fifth answer. Sixth question क्या दिया है बच्चों, What is a slide transition? What are the steps to add slide transition to a presentation? हमें बताना है कि स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है और हम स्लाइड ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। तो इसका आंसर पेज नंबर 39 पर दिया है। स्लाइड ट्रांजिशन इज़ एन एनिमेशन लाइक इफेक्ट बिटवीन टू स्लाइड्स ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। इट इज़ एन एडेड फीचर टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। It is very important to select an appropriate slide transition effect as it should not overpower the message that you want to give through the presentation. बच्चों स्लाइड प्रेजेंटेशन क्या है, स्लाइड प्रेजेंटेशन एक एनिमेशन लाइक इफेक्ट है दो स्लाइड्स में स्लाइड शो के वक्त। हम लोग क्यों स्लाइड ट्रांजिशन डालते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इंटरेस्टिंग हो पाए और हमें हमेशा प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट लेना चाहिए ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी और ब्यूटीफुल दिखे। अब स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट क्लिक ऑन एनिमेशन मेन्यू ऑन द रिबन। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बॉक्स ऑफ द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। एक्सप्लोर द वेरियस स्लाइड ट्रांजिशन एंड सी देयर प्रीव्यू ऑन द स्लाइड। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हम लोग अपनी लैब क्लास में भी डिस्कस करेंगे एक अच्छे से जब हम थर्ड स्टेप पे क्लिक कर लेंगे। फोर्थ हमारा जो है हमारे डिज़ायर ट्रांजिशन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर वहाँ पर हम अपनी स्पीड ऑफ ट्रांजिशन और साउंड इफेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम ये सेलेक्ट कर लेंगे तो फाइनली हम क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर हमें वो इफेक्ट सारी स्लाइड्स पे चाहिए। ये था हमारा आंसर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर द 3 डिफरेंट वेज टू रन अ प्रेजेंटेशन। हमें डिफरेंट वेज बताने हैं कि जिसमें प्रेजेंटेशन रन हो सकता है। इसका आंसर पेज नंबर 40 पे दिया है। फर्स्ट प्रेस F5 ऑन द कीबोर्ड। सेकंड क्या कर सकते हैं, हम क्लिक करेंगे स्लाइड शो मेन्यू पे। क्लिक फ्रॉम द बिगनिंग बटन इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। थर्ड क्या कर सकते हैं, हम स्लाइड शो आइकन जो हमारी बॉटम राइट स्क्रीन पर विजिबल है हम वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये थे हमारे 3 स्टेप्स।
अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टू ऐड अ न्यू स्लाइड. हमें स्टेप्स बताने हैं कि हम न्यू स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं. पेज नंबर 38 पे है इसका आंसर. पहला, हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे. सेकंड, हम क्लिक करेंगे स्लाइड नंबर ऑप्शन पे. हमारा फिर क्या होगा, हेडर फुटर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिस पे हम स्लाइड नंबर पर क्लिक करेंगे. फिफ्थ, अगर हमें सारी स्लाइड्स में चाहिए अपना स्लाइड नंबर तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे. अगर हमें सिर्फ एक पे चाहिए तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे. अगर सब में चाहिए तो हम अप्लाई ऑल में क्लिक करेंगे. तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू ऑन द रिबन. सेकंड, क्लिक ऑन द स्लाइड नंबर ऑप्शन. थर्ड, अ हेडर फुटर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. फोर्थ, टिक ऑन द स्लाइड नंबर चेक बॉक्स. फिफ्थ, क्लिक ऑन द ईदर अप्लाई और अप्लाई ऑल एज रिक्वायर्ड. ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. सभी बच्चे ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे.